नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। कश्मीर आपको लिए चलते हैं, जहां पर एनआईए की रेड लगातार अलग अलग इलाकों के अंदर देखने को मिली है। आपको बताते चले, पुलवामा, पट्टन और शोपियां के अंदर इस वक्त एनआईए की बड़ी रेड चल रही है। और एनआईए में कश्मीर घाटी आप देखिए किस तरह से यहां पर रहती हुई नजर आ रही है। लगातार एनआईए की तरफ से टेरर फंडिंग मामलों को मद्देनजर रखते हुए भी छापेमारी के तार जो है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और फरवरी में राज्य जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के अध्यक्ष के यहां पर भी छापेमारी की थी। और साथ ही साथ आप देखिए, पट्टन, पुलवामा और शोपियां में जांच यहां पर किस तरह चल रही है एनआईए की। और पट्टन में जमात इस्लामिया के पूर्व जिला प्रधान पर शिकंजा यहां कसा गया है। टेरर फंडिंग से ये पूरे मामले यहां पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि यहां 5 अन्य सदस्यों की 8 घंटे तक पूछताछ होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है कि इन लोगों से 5 घंटे यहां पूछताछ की गई थी। और एसआईए ने संगठन से जुड़े हुए आधा दर्जन से भी अधिक लोगों को तलब कर दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट कश्मीर से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए शोपियां, पट्टन और पुलवामा के अंदर किस तरह से टेरर फंडिंग मामलों के तार जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ने के संकेत यहां पर दिखाई जा रहे हैं। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि आतंकी फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को ही यहां पूरी तरह से आप देखिए बारामूला जिले के पट्टन शहर में कई जगह पर छापेमारी कर दी है। और जिन जगहों पर कार्रवाई हुई है वहां पर किस तरह से हालात बने हुए हैं, साफ तस्वीरें भी आप देखिए एनआईए की तरफ से किस तरह से छापेमारी का सिलसिला वहां पर बदस्तूर जारी कर दिया गया था। इसी खबर पर सीधा रुख करेंगे पुलवामा, और पुलवामा से हमारे साथ गाजी खुर्शीद जुड़ चुके हैं। गाजी, जिस तरह से सुबह से ही आप देखिए कश्मीर के अंदर लगातार एनआईए की रेड देखी गई है, पुलवामा के अंदर क्या कुछ है इस वक्त सूरत हाल? देखिए मैं आपको बता दूं, आज सुबह करीबन 6 बजे के करीब ही एक ये जो है गाड़ियां देखने को मिली जो रोड पे है, यहाँ पुलवामा के कई इलाकों में, जहाँ बात करें पिंगलियन पुलवामा की, वही पे दूसरा छापा इधर नाइना पुलवामा में और तीसरा छापा इधर गुसु पुलवामा में भी आज एनआईए की तरफ से छापामार कार्रवाई सुबह 6 बजे ही शुरू की गई, जिसमें कई एक ये जो है जमात इस्लामी ऐसे वाबस्ता जो पहले सरगर्म रुकन हुआ करते थे उन्हीं के घरों को दस्तक दी गई, उन्हीं के घरों की आज छापामार कार्रवाई शुरू की। गाजी, पुलवामा में कहाँ कहाँ पर छापेमारी हुई है, किस किस के घर के अंदर? जी, मैंने आपको बताया कि जिस तरह से पहले पिंगलियन पुलवामा में एक हेल्थ ये जो है डिपार्टमेंट से और एक एम्प्लॉय के घर में छापा पड़ा, दूसरा इधर गुसू में जो एक एक्स प्रेसिडेंट जमात इस्लामिया का था और आज उनके घर में भी छापा पड़ा, और तीसरा इधर कुई में जो जमात इस्लामिया से वाबस्ता एक अफराद है उसके घर में छापा पड़ा, और नाइना में भी यही कहा जाता है कि वहाँ पे भी जमात इस्लामी से वाबस्ता मैक्सिमम लोगों के घरों में जो छापे पड़े वो पहले जमात इस्लामी से वाबस्ता हुआ करते। लेकिन गाजी, यहाँ पर फरवरी के महीने में भी छापेमारी का सिलसिला जारी रखा गया था और कई तरह से पूछताछ जो है वो जमात इस्लामिया के अध्यक्ष अमीर अध्यक्ष के साथ भी हुई थी और 5 अन्य सदस्यों के साथ भी यहाँ पर 5 घंटे तक का पूछताछ जो है वो चली थी। क्या आज भी कुछ ऐसा देखने को मिला कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया हो और उनसे पूछताछ हो रही हो? जी बिल्कुल, 3 बंदूक आज ये एनआईए टीम अपने साथ लेके गई पूछताछ के लिए और उनके घरों से जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है या फोन वगैरह जो उनके घर में थे वो पूछताछ के लिए एनआईए की टीम ने अपने साथ लिए, और वहीं पे 3 जो पहले सरगर्म रुकन हुआ करते थे जमात इस्लामी के साथ जो वाबस्ते थे उनको छापामार कार्रवाई के दौरान एनआईए की टीम अपने साथ पूछताछ के लिए लेके गई। और बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि किस तरह से एनआईए की तरफ से बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गाजी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे संवाददाता गाजी खुर्शीद हमारे साथ पुलवामा से जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से पुलवामा, शोपियां और पट्टन के अंदर भी लगातार सिलसिला जो है वो एनआईए की तरफ से जारी रखा गया है। पुलवामा से आपको अपडेट दिखा रहे थे, जहां पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूरी तरह से पूछताछ जो है वो होने की यहां आशंका जो है वो जताई जा रही है। लेकिन सूत्रों के अनुसार अगर बात की जाए तो यहां विदेशी फंडिंग और जमात के विदेशी संचालन के अलावा उनसे जम्मू कश्मीर और उसके बाहर जमात इस्लामी की गतिविधियों के बारे में पूछताछ यहां पर की जा सकती है। और साथ ही साथ पूरी तरह आप देखिए माना यह भी जा रहा है कि लगातार जिस तरह से एनआईए शिकंजा कस रही है, अब आने वाले समय में बड़े बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं, कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं। इरशाद हमारे साथ शोपिया से जुड़ चुके हैं, क्योंकि शोपिया के अंदर भी लगातार सुबह से ही ये एनआईए की रेड जो है वो देखी गई है। इरशाद, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है वहां पर एनआईए की तरफ से? मैं आपको बता रहा हूं, बात की जाए जिला शोपियां, सुबह जो है 6 बजे से ही जो है एनआईए की जो है रेड यहां पे कंटिन्यूअसली जारी है। मैं आपको बता दूं कि अगर बात की जाए शोपियां को मेन टाउन है वो बनगाम एरिया,
वहां पे भी जो है सुबह से ही लगातार जो है एनआईए की छापामार कार्रवाई वो जारी है। और अगर बात की जाए जो गांव है आसपास के गांव जैसे डीके पोरा है, हैप शिरमाल है, चित्रा गांव है, दांगाम है, और वहां पे भी जो है इस वक्त में इस वक्त की बात कर रहा हूँ तो वहां भी इस वक्त जो है छापामार जो है वो बिल्कुल जारी है। यही बताया जा रहा है कि इसमें जो है कुछ पर्सन भी अरेस्ट हुए हैं। मैं आपको बता दूं उनके नाम भी यहाँ पे मैं बता दूं कि मोहम्मद अशरफ जो है छाला वो भी इसमें जो है पूछताछ के लिए उनको जो फिलहाल हिरासत में लिया गया, और मोहम्मद अली मोहम्मद उसको भी यहाँ पे जो है कुछ पूछताछ के लिए भी लिया जा रहा है, और जलाल अहमद उसको भी यहाँ जो है एनआईए ने उठाया है। आपको बता दो इस वक्त अगर बात की जाए तो इस वक्त जो है बिल्कुल इरशाद जिन लोगों को एनआईए ने हिरासत में लिया है किस वजह से लिया, क्या यहाँ पर आरोप इन लोगों पर लगाए गए थे, किस बात को लेकर पूछताछ की जा रही है? बिल्कुल आपको अगर बता अगर बात की जाए अभी अफसर कंफर्मेशन नहीं आई किस बिना पे इनको उठाया गया, यही बताया जा रहा है। और पता सोशल मीडिया पर यही खबर जो है कि कहीं ना कहीं इनका जो ताल्लुक है वो जमात इस्लाम से हो सकता है, इसीलिए यानी जो टेरर फंडिंग का मामला है उसी को मद्देनजर रखते हुए ये पूछताछ यहाँ पर जारी की गई है एनआईए की तरफ से। बिल्कुल जो यही बताया जा रहा है जमात इस्लाम का जो है इनका दस्तावेज भी वहाँ से उठाया गया है ताकि और भी जो है केस में जो है कुछ अलग से देखने को मिल रहा है। और पूरे इलाके में इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, किस तरह से वहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है? देखिए अगर मैं बात करूँ शोपियान टाउन की, मैं अगर बात करूँ तो शोपियान टाउन में जिस तरीके से 6 बजे जो है एनआईए ने अपना जो है छापामार कार्रवाई की, उसके साथ साथ जो है पुलिस और आर्मी का उसमें जो है बिल्कुल साथ उठाया, और ये जो बनगाम एरिया है बिल्कुल ये शोपियान डेड टाउन में ही जो है सुबह 6 बजे जो है ये आर्मी और एनआईए टीम जो है उस घर में पहुंची, जो मतलब उनको शक लगा कि इनके साथ कुछ कनेक्शन है। उसके बाद जो है कुछ गांव की तरफ उन्होंने रुक किया है, जैसे मैंने बोला कि डीके पोरा है, हम शर्मा है, जो कि मिलिटेंट के मामले में एक बड़ा रोल रहा है 2016 के लिए, अभी तक जो है उस एरिया में जो है मिलिटेंट का ग्राफ जो है वो चलिए इरशाद बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इरशाद हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर छापेमारी का सिलसिला जारी कर दिया गया है एनआईए की तरफ से, रेड यहाँ पर की गई है, कुछ लोगों को यहाँ से भी हिरासत में लिया गया है क्योंकि जमात इस्लामिया के साथ उनके भी लिंक्स पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उनके साथ क्या कुछ इनके तार थे, और पुलवामा के अंदर से भी जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है पूछताछ की जा रही है उनके भी यहाँ पर संपर्क जो है वो जमात इस्लामिया के साथ बताया जा रहे हैं, और शोपिया के अंदर से भी जिस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है एनआईए की तरफ से वहां पर भी जमात इस्लामिया को मद्देनजर रखते हुए काम किया जा रहा है, लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही है कि टेरर फंडिंग का ये मामला यहां पर हो सकता है, इसके तार कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग से जुड़ सकते हैं। इससे पहले फरवरी में भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था जिसमें टेरर फंडिंग का मामला जो है वो देखने को मिला था, और जमात इस्लामिया को मद्देनजर रखते हुए आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश की गई है एनआईए की तरफ से, क्योंकि इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार कश्मीर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए एनआईए अलग अलग जगहों पर किस तरह से छापेमारी जारी रखे हुए है। साफ तस्वीरों में भी आप देखिए पूरे इलाके के अंदर सिक्योरिटी को किस तरह से बढ़ा दिया गया है, और अब शोपिया की बात करें तो यहां पर शहर के अलावा गांव की तरफ भी एनआईए की टीम जो है वो रुख करती हुई नजर आ रही है, सीआरपीएफ के जवान वहां पर मौजूद है, जम्मू कश्मीर पुलिस के वहां जवान मौजूद, और उसके साथ साथ सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से मोर्चा वहां पर संभाले हुए हैं, लगातार राही निसार के पास चलेंगे। पट्टन में भी आज एनआईए की जो रिपोर्ट है वो सामने देखने को मिल रही है, रिपोर्ट तो इसे नहीं कहेंगे लेकिन छापेमारी जरूर इसे कह सकते हैं, क्योंकि दबिश एनआईए की तरफ से यहां पर भी दी गई है, और किन किन लोगों को अब यहां पकड़ा गया है, कार्यवाही को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है यही जानकारी लेंगे। राही जिस तरह से पुलवामा के अंदर भी अपडेट देखने को मिली है, शोपिया में भी, पट्टन के अंदर क्या कुछ है सूरतेहाल, क्या किसी को वहां पर हिरासत में लिया गया है, किस तरह से पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया गया एनआईए की तरफ से? एनआईए ने छापामार कार्रवाई यहाँ पे की, और दो जगहों पे हुई यहाँ पे छापे मारे, अगर छापे में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, अलबत्त वहाँ पे बताया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और साथ साथ में मोबाइल कुछ वहाँ पे सीज कर लिए है, और साथ साथ में अभी की अगर बात करें इस वक्त छापामार कार्रवाई यहाँ पे तस्वीर हो गई है, और इसका यही है कि अभी हिरासत में किसी को नहीं लिया है, अलबत्त कुछ मोबाइल और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वापिस, लेकिन जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है बारामूला से लिया गया है, शोपिया से लिया गया है, क्या लगता है कि पट्टन के अंदर भी कुछ लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया जाएगा अभी एनआईए की तरफ से, क्योंकि अगर दस्तावेज यहाँ से उठाए गए हैं तो जाहिर तौर पर सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि कुछ लोगों से भी पूछताछ यहाँ पर होगी, क्योंकि फरवरी में भी इसी तरह से कार्रवाई देखने को मिली थी।
देखिए आशा, यहाँ पे ये कहना अभी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि है ना कि अपनी एक इनका एक अपना तरीका होता है कि वो जब कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाते हैं, फिर बाद में अगर उनको किसी से पूछताछ करनी है वो तो दिल्ली भी बुला लेते हैं, मगर अभी की जो यहाँ पे खबर है अभी वो। और ये किसके घर के अंदर से डॉक्यूमेंट्स उठाने की कोशिश की गई है एनआईए की तरफ से? नहीं, वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की, वहाँ पे यही पता चला कि डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेक किए गए मगर डॉक्यूमेंट साथ नहीं ले गए। अलबत्ता इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिनमें शायद लैपटॉप के बारे में कहा जाता है कि वो साथ ले गए, पर अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन इस पे नहीं है कि बाकी जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट थे उनका क्या किया गया। अलबत्ता मोबाइल के हवाले से ये खबर है क्योंकि वहाँ पे मोबाइल उन्होंने साथ लिए, उनको सीज कर दिया गया। अब ये कहना अभी मुश्किल है कि क्या वो बुलाएंगे या ना बुलाएंगे, वो तो बाद में यहाँ पे पता चलेगा। चलिए राही, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि राही निसार हमारे साथ पट्टन से जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेकर एनआईए की टीम यहां से रवाना हुई है। फिलहाल अभी पट्टन से किसी भी शख्स को गिरफ्तार तो नहीं किया गया है, लेकिन जमात इस्लामिया को मद्देनजर रखते हुए यह बड़ी कार्रवाई को एनआईए की तरफ से अंजाम दिया गया है, क्योंकि इसके सूत्र और पूरी तरह से तार जो है वो टेरर फंडिंग के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फरवरी में भी इसी तरह से कुछ लोगों से पूछताछ हुई थी, लेकिन अब देखना यह है कि किस तरह से शोपियां जिले के अंदर से भी लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ जिला बारामूला से भी गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ पूछताछ होगी, लंबी पूछताछ चलती है या फिर कितने घंटे की यह पूछताछ रहेगी, ये बड़ा सवाल है। और इस पूछताछ के बाद क्या कुछ यहां निकलकर सामने आएगा, अब देखने वाली बात है, क्योंकि एनआईए की तरफ से अलग अलग जिलों के अंदर कश्मीर घाटी में आप देखिए किस तरह से दबिश जो है वो दे दी गई है, लेकिन पट्टन से फिलहाल सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स उठाए गए हैं और इन डॉक्यूमेंट्स को खंगालने की कोशिश हो रही है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलते हैं और सांबा से दिखा देते हैं कि परिसीमन आयोग को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से यहां पर काम हो रहा है, क्योंकि परिसीमन के ड्राफ्ट को लेकर भाजपा में विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए तो काम हो ही रहा था, लेकिन भाजपा में अब विरोधाभास शुरू हो चुका है और नेका छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले स्थालिया ने यहां पूरी तरह से अब अपने सवाल उठा लिए हैं। ये सलाथिया हैं, सुरजीत सिंह सलाथिया की बात हो रही है, किस तरह से आवाज उन्होंने यहां पर उठा ली है और विजयपुर हलके की चार पंचायतों को सांबा से जोड़ने का विरोध कर दिया है। सलाथिया ने कहा कि परिसीमन आयोग से जल्द इस बात को लेकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जो सांबा जिले की जनता है वो कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार के खिलाफ लामबंद होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले गुड़ा सलाथिया मद्देनजर रखते हुए यहां पर प्रदर्शन जो है वो किया गया, विधानसभा क्षेत्रों को किस तरह से बांटा गया है, काफी रोष इन लोगों के अंदर देखा गया था, लेकिन बहुत ही जल्द आप देखिए किस तरह से इस पर रिएक्शन जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि सुरजीत सिंह सलाथिया जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से ताल्लुक रखते थे और भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन अब भाजपा के अंदर ही उनका विरोधाभास शुरू हो चुका है। जिला सांबा की जनता पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन करती हुई और विजयपुर हल्के की चार पंचायतों को सांबा से जोड़ने का विरोध प्रदर्शन अब यहां पर किया जा रहा है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से गुड़ा सलाथिया के अंदर भी रोष प्रदर्शन लोगों के अंदर देखा गया था, लेकिन सुरजीत सिंह सलाथिया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के कदावर नेता थे उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, भाजपा में चले गए, लेकिन अब भाजपा में भी कहीं ना कहीं रोष वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि गुड़ा सलाथिया ने दो दिन पहले जो अपना विरोध प्रदर्शन किया था उसका कहीं ना कहीं असर अब सुरजीत सिंह सलाथिया के ऊपर भी देखने को मिल रहा है और आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता की है, जिस तरह से अभी ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई कि गुड़ा सलाथिया की लगभग चार पंचायतें जो वो सांबा विधानसभा क्षेत्र में डाली जा रही है, जबकि वो हिस्सा विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, उसी के चलते आज सलाथिया साहब भी ये मान रहे हैं कि लोगों के हकों को खत्म किया जा रहा है, अधिकारों को खत्म किया जा रहा है और डेमोग्राफिक टोपोग्राफी ये मैच करती है और विजयपुर क्षेत्र ही इनके लिए जो वो सहूलियात थी, लेकिन जिस तरह से सांबा में डाला जा रहा है तो इन्होंने इलिमिनेशन कमीशन की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि हम लोगों की आवाज को आगे तक पहुंचाएंगे, हम अपने ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, अभी पब्लिक डोमेन में क्या कुछ चीजें आती है तो आने वाले वक्त पता चलेगा, लेकिन सलाथिया साहब ये साफ तौर पर कहते हैं नजर आ रहे हैं कि इसका विरोध जो वो आने वाले दिनों में करेंगे, लेकिन हमने ये भी उनसे पूछा कि सियासी मुफाद इसमें देखा जा रहा है, क्योंकि जो खबरें सामने आ रही है वो ये है कि सलाथिया साहब सांबा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ अपना वोट बैंक के लिए ये चार पंचायतें जो वो सांबा में डाल दी गई, कुछ इस तरह की चीजें भी सामने आई, लेकिन उन्होंने इस चीज को सीधे से निकाला, उन्होंने कहा कि वोटर्स को नहीं बल्कि लोगों की सहूलियात को ध्यान में रखना है, इसमें हमारा कोई सियासी इसमें मुफाद नहीं है, लेकिन गुड़ा सलाथिया के लोग ये भी कह रहे हैं कि एक तो जातिवाद में बांटने की कोशिश की जा रही है, दूसरा यहाँ पर सियासी मुफाद देखा जा रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाती हुई नजर आ रही है डिलिबरेशन कमीशन की रिपोर्ट पर कि धीरे धीरे लगातार कोशिशें की जा रही है, जब कुछ ऋषि
यानी आपका कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब यहाँ परिसीमन आयोग के खिलाफ खड़ी होगी आने वाले समय में, कुछ ऐसा? देखिए कुछ इस तरह के लेके चल सकते की चीजें सामने आ रही है। अगर आपको लगता है कि लोगों के साथ खड़े रहना है तो लोगों को फेस करना होगा, लोगों की जो बातें हैं वो कमीशन तक पहुंचानी होगी, जिसको लेकर सलाहियत आप भी यहाँ पर कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से कहूंगा कि ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन इस चीज को भी कहना कि सूत्रों के हवाले से जो ये रिपोर्ट सामने आई है, ऐसा लग रहा है कि ये वाकई में चीज होने जा रही है, जिसके चलते लोग विरोध जता रहे हैं। लेकिन सलाहिया जो है वो भी लोगों के साथ खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि इन चीजों को नहीं होने दिया जाएगा, हम अपनी बात जो वो आगे तक लेकर जाएंगे। लेकिन अभी नई नई पार्टी को ज्वाइन किया है ऋषि, भारतीय जनता पार्टी में अभी गए हुए कुछ महीने ही हुए हैं, कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन अगर उसी पार्टी के खिलाफ यहाँ पर सलाथिया ने मोर्चा खोल दिया तो क्या लगता है कि किस तरह से पूरे हालात वो बनते हुए नजर आएंगे? देखिए वो पार्टी के खिलाफ तो नहीं बोले हैं, लेकिन उनका ये साफ तौर पर कहना है, हमने भी उनसे ये पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि कमीशन की जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर के तले काम किया जा रहा है। इस चीज को तो उन्होंने साफ तौर पर नकार दिया कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है, एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है कमीशन। लेकिन जो चीजें किस तरह से बनाई जा रही है, किस तरह से सर्विस की को दी जा रही है, कमीशन को लेकर वो लगातार सवाली निशान खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर कोई ऐसी कोई बातें उन्होंने नहीं की है कि वो पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टी संगठन जिस तरह से हमें बोलेगा, ड्यूटी यहाँ लगाएगा, हम काम करेंगे। लेकिन ये जो कमीशन की रिपोर्ट है इसको लेकर अगर पब्लिक डोमेन में ये चीजें आती है तो ऑब्जेक्शन फाइल, यानी आम जनता के साथ सलाथिया जाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसा? जी बिल्कुल, जनता के साथ करें, उन्होंने कहा कि हम लोगों के हितों को लेकर बात करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन भी आने वाले दिनों में। चलिए ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि हमारे संवाददाता सांबा से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से सांबा की जनता ने परिसीमन ड्राफ्ट के खिलाफ यहां मोर्चा खोल दिया है। इससे पहले गुड़ा सलाथिया के लोगों ने पूरी तरह से धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद अब जिला सांबा के लोग कहीं ना कहीं यहां पूरी तरह लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका साथ और समर्थन देते हुए सलाथिया भी नजर आए हैं। क्योंकि हाल ही के समय में, अभी कुछ ही समय हुआ है भारतीय जनता पार्टी में जाकर, लेकिन इस बीच में अगर इसी तरह से हालात बनते हैं तो देखना यह होगा कि पार्टी की तरफ से किस तरह बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है और परिसीमन आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ खुलासे जो है वो रखे जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं, लगातार आपको दिखाना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपको यह बताना बहुत जरूरी कि रूस और यूक्रेन के बीच में किस तरह से हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच यहां छिड़े हुए युद्ध के कारण यूक्रेन में पढ़ने गए स्टूडेंट्स का वापस स्वदेश लौटने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है। ऑपरेशन गंगा चलाकर सरकार वहां पर फंसे हुए छात्रों को निकालने का काम कर रही है और इसी के तहत जम्मू की एक और छात्रा अपने घर वापस पहुंच चुकी है और जम्मू नगर निगम की वार्ड नंबर 52 की जो रहने वाली छात्रा है दीक्षा खन्ना, के घर पहुंचने पर जहां परिजनों ने राहत की सांस ली तो वहीं भाजपा नेता और पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता, अजय गुप्ता, भाजपा जिला प्रधान विनय गुप्ता और उनके साथ ही अन्य भाजपा सदस्य जो कि छात्रा से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे थे और उसे मुबारकबाद भी दी। देखिए रशिया और यूक्रेन की युद्ध के कारण से बहुत से हमारे बच्चे पूरे हिंदुस्तान से वहां पर युद्ध के दौरान फंस गए थे। उसी दौरान हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने एक फैसला लिया था, सभी की लिस्ट हमें भेजी थी और उसकी जानकारी भी दी थी, खास करके जम्मू में 158 लोगों की लिस्ट थी जिसमें मुझे अधिकांश घरों में जाने का मौका मिला और जिस प्रकार से सरकार की वो सराहना कर रहे हैं बच्चे, एम्बेसी ने और भारत सरकार ने जिस प्रकार का इनिशिएटिव लिया है वो अपने आप में एक सराहनीय है। हम चाहते हैं कि ये बच्चों का भविष्य इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। युद्ध काल के दौरान इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, कहीं इनको कोई तकलीफ भी हुई होगी, लेकिन कुल मिलाकर के सरकार का जो इनिशिएटिव रहा वो सराहनीय है। मैं दीक्षा खन्ना, मैं अभी अभी यूक्रेन से लौटी हूँ, मैं फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ वहाँ पर। मेरे इवैक्यूएशन में एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी एंड मोदी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने हमारे लिए सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे से अरेंज करी थी पोलैंड बॉर्डर पे एंड मतलब हम लोग ने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था जितने अच्छे से हमारे लिए खाना रहना सब कुछ अरेंज था एंड फ्लाइट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग घर पहुँचे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं एंड बस यही होप करूंगी कि वो हमारे फ्यूचर के लिए भी ऐसे ही ग्रेट प्लान्स बनाते रहे।
तो जम्मू के पुराने जनरल बस स्टैंड पर पिछले करीब 2 महीने से एक लावारिस बुजुर्ग लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बस स्टैंड पर एक बेंच पर पड़े इस बुजुर्ग का नाम रमेश है, जो अपने आप को श्रीनगर निवासी कश्मीरी पंडित बता रहा है। इस हालत के बारे में आप पूरी तरह से देखिए किस तरह ये हालत के नहीं हालात की बात हो रही है कि इनके हालात के बारे में पूछने पर इस बुजुर्ग ने किसी आश्रम का हवाला देते हुए कुछ लोगों पर उससे मारपीट कर वहां से निकाल बाहर करने का आरोप लगा दिया। ये बुजुर्ग अब चल फिर भी नहीं सकता है और अभी तक ना तो प्रशासन और ना ही समाज सेवा का कोई भी शख्स आगे आया है। गैर सरकारी संस्थाओं ने भी इसकी कोई सुध नहीं ली है और तो और बस स्टैंड पुलिस भी इस बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाई। बुरा बना कह रहा था अंदर कमरे ऐसे ही तरह से बहुत तंग कर रखा था, फिर बहुत मुश्किल से देता था लोगों को कहना था। मैं पालता पोसता हूँ, अंदर कमरे में मारता था, गाड़ी खड़ा हो जाता था मारता था लोगों को, मार को करता था। किसको पता है ये मुझे क्या करना था अंदर? मैंने देख रहा हूँ 2-2.5 महीने हो गए हैं यहाँ पे, पहले ही थोड़े चलते फिरते थे तो भी कुछ जस्ट कोई 1-1.5 महीना हुआ चला फिर उन्होंने बंद कर दिया है। और सिर्फ इन्हें चाय, जैसे कि आपको इन्होंने बोला कि मुझे चाय पीनी है, चाय और इन्हें फैन नहीं मिलता और वही खाते हैं ये, और इनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं हुई है, कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जब से यहाँ पे पड़े यहीं पे पड़े हैं, क्या बीमार हैं? बीमार नहीं थे पहले, ठीक थोड़ा चलते फिरते थे, फिर कम से कम 1-1.5 महीना हो गए ना चलना फिरना बंद हो गया इनका। आज सुबह ये नीचे गिर गए थे तो बड़ी मुश्किल से आगे पीछे हुए, जैसे जो भी इनको ब्लडिंग हुई थी तो देखा लोगों ने, फिर खुद ही ऊपर बैठे हुए सारा किस्म खाए नहीं थे। तो फिर इन्होंने बोला कि यहाँ मुझे कल परसों ने बोला कि भाई पुलिस वालों को बोलो कि मुझे या तो हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए या कहीं जैसे मुझे पैसे मिले, बट कौन किसी सुनता है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ इनके लिए कुछ किया जाए, जितना हमसे होता तो हमें बोलिए, हम भी कुछ करते हैं। बाकी प्रशासन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इनके लिए कुछ किया जाए। तो जम्मू के बीचों बीच स्थित जनरल बस स्टैंड देश की स्मार्ट सिटी की सूची में शुमार है और इस शहर पर अब धब्बा साबित हो रहा है। आपको ये बताते चले कि मौजूदा समय में इस बस स्टैंड के पूरी तरह से गिरने की कगार पर ये पहुंच चुका है और यहां कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। समय बीतने के साथ साथ इस बस स्टैंड का रखरखाव न होने से आज ये किस हालत में पहुंच चुका है ये आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। इसे अनसेफ घोषित किए जाने के बावजूद भी प्रशासन लंबी ताने सोया हुआ है। इस बस स्टैंड में रोजाना आने जाने वाले लोगों और दुकानदारों की जाने पर पूरी तरह से खतरा मंडरा रहा है और प्रशासन अभी तक इस पूरे खतरे से वाकिफ होता हुआ नजर नहीं आया। है ना, ये बिल्डिंग अनसेफ क्यों है? ये बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग है, बिल्डिंग के पिलर बहुत मजबूत है, इसकी नींव बहुत स्ट्रांग है, इसको कम से कम एक बार रिपेयर करवाई जाए सही ढंग से तो ये बिल्डिंग कम से कम आने वाले 20 साल तक ये मजबूत खड़ी रहेगी। ये नहीं है कि ये डिपार्टमेंट की ये नेग्लिजेंसी है, मास्क डालो JDA डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी है, इनकी कमजोरी है, ये खाना पूर्ति करते हैं इसलिए जानबूझ के ये बिल्डिंग अनसेफ डिक्लेयर कर रहे हैं। मेरे को बात सुनो, जहाँ पे अभी तक आप कितनी बार जहाँ पे आते हो, कितनी बार वाइट लिए हमारे, कितनी बार आपने देखा है बिल्डिंग अभी तक वाइट वॉशिंग नहीं करवाते हैं, छोटी सी रिपेयर तक नहीं करवाते हैं। ये बंच देखो, ये टूटे फूटे पड़े हैं, इनको नहीं रिपेयर करवाते हैं, ये डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी नहीं है और क्या है। इसलिए डिपार्टमेंट को चाहिए, मैं LG साहब से गुजारिश करता हूँ, इसकी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए और जहाँ पे कम से कम इंक्वायरी हो और ये पता चले कि बिल्डिंग कैसी है, ये अनसेफ है या क्या है। बिल्डिंग बहुत मजबूत है, थोड़ी देर हो गए अनसेफ कर दी है और हम जो चाहते हैं अगर इस बिल्डिंग का काम लगाना है इस ढंग से लगाया जाए कि किसी दुकानदार को भी परेशानी ना आए और कारोबार भी लोगों का चलता रहे और टूरिस्ट भी आता रहे और किसी को किसी चीज़ की परेशानी ना आनी चाहिए। जैसे वो जो नया बस स्टैंड बना था उसने इन्होंने हमारे दुकानदारों ने काफ़ी मुश्किलें झेली हैं, तो उस तरीके से हम जब गवर्नमेंट के आगे ये अपील करना चाहते हैं कि हमें इस काम में कोई मुश्किल कोई बाधा ना पड़े और सारे काम हमारे सही ढंग से होते रहे। और JDA डिपार्टमेंट से हम ये अपील करना चाहेंगे दुकानदार को अपने हक में लेकर ये काम को करवाने की कोशिश करें और इस ओर का जो भी प्रोजेक्ट बनने जा रहा है हमें खुशी है कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं और स्मार्ट सिटी बनना भी चाहिए। स्मार्ट सिटी में हमारा जो बस स्टैंड भी स्मार्ट सिटी ही रहना चाहिए, ना कि अगर आप देखें ना तो जो भी बाहर से टूरिस्ट आता है तो जब वो बस स्टैंड की हालत देखता है
इतनी बदबू है, इतनी गंदगी है, तो वो सोचता है कि अगर हमारे बस स्टैंड का ये हाल है तो जम्मू शहर का क्या हाल होगा। तो शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू में आयोजित 5 दिवसीय कृषि मेला किसानों के लिए बेहद कारगर साबित हो रहा है और कृषि मेले में किसानों को जहां खेती बाड़ी की आधुनिक तकनीकों से रूबरू करवाया जा रहा है तो वहीं कई अन्य अहम जानकारियां भी दी जा रही है। तो कृषि मेले में किसानों की जरूरत की हर चीज दर्शाई गई है और पनीरी उगाने से लेकर खेतों में यहां मशीनों के इस्तेमाल की सब जानकारियां इस मेले में उपलब्ध कराई गई। ये मेला यहां शुक्रवार 11 मार्च को संपन्न होगा। ये शुक्रवार को मेला जो है वो लगाया गया था और अभी तक सैकड़ों किसान इसका लाभ उठा चुके हैं और साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से 11 मार्च तक ये पूरी तरह मेला जो है वो चलने वाला है और कई तरह की जानकारियां किसानों को भी इसमें दी जाएंगी। इस बार जो कुछ नई चीजें हैं जो कि हमने किसानों को इन्वॉल्व किया है, जैसे कि एनजीओस बना के उनसे हमने टर्मेरिक लगा के स्पाइसेस के ऊपर कल्टीवेशन करवा के और उनको सेल काउंटर दिलाया जिसके के वो डायरेक्टली फार्मर जो अपनी पैदा करके हल्दी और अपनी खुद मार्केटिंग करें। तो एक प्रयास ये भी है कि अपने किसानों को एंटरप्रेन्योर बनाने का एक प्रयास है। और दूसरा हमने जो अपने किसान भाई हैं जिन्होंने अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए हैं उनको एक जम्मू खेती के ब्रांड जो कि एक डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर ने बनाया है वो भी हमने मुहैया करवाया है और जम्मू खेती के नाम से वो अपनी प्रोड्यूस यहाँ पे बेच रहे हैं, जैसे कि हल्दी, मिर्ची और ये स्पाइसेस, देन हनी, इसके बाद डिफरेंट तरह के अचार हैं, मशरूम अचार है, तो वो सारा जो हमारा किसान भाई है जम्मू खेती के ब्रांड के नाम से यहाँ बेच रहा है और उसको पॉपुलर कर रहा है। ये पहले साल में एक बार ही होता था लेकिन इन्होंने साल में 2 बार स्टार्ट किया और वो भी 5 दिन के लिए। इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे आप यहाँ पे देखें कितनी वैरायटीज है प्लांट्स की जो किसानों को नहीं पता थी। यहाँ पे आप खाद देखिए, खाद में भी बहुत वैरायटी है जिससे इनकी फसलों को काफ़ी फ़ायदा होता है। ये 5 दिन का मेला है, मंडे टू फ्राइडे, तो किसानों के लिए बहुत सारी वैरायटीज़ है यहाँ पे जो कि इनिशिएटिव हमारे वाइस चांसलर सर ने ली है, तो बहुत सारी फ़ायदे की चीज़ें हैं किसानों के लिए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।